नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्योपुर के कराहल ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर चपरासी और दलाल पर किसान धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने केसीसी लोन के नाम पर बैंक से ऋण लिया और बाद में दलालों ने लोन की पूरी राशि वापस नहीं की। जब किसानों को केसीसी की राशि नहीं मिली तो मामले की शिकायत किसानों ने ग्वालियर बैंक प्रबंधक से की और ग्रामीणों ने दलाल जीतू कंसल का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सिद्ध कारोबार क्या केसीसी बंद बैंक दे दिए लोन केसीसी बंद रही है हराम में देने रही बैंक का पैसा लोन लेगी जमा करना है अपन को नहीं करना है तुम नहीं बनाओ कोई और बनाएगा बनाएगा जरूर ये चीज खुद को सब कुछ नहीं है इसमें तो केसीसी बनेगी नहीं। परसेंट जो बनता है वो आप लोग आप दलाल हो इस चीज का वो हम जानते हैं पूर्ण रूप से कि आप दलाल हो। आपका जो परसेंट बनता है वो आप लोग मैनेजर आपसे ही बात करेगा ना कि इससे नहीं करेगा आपसे ही करेगा है समझदार है इस चीज का तो हम समझते हैं नहीं इस चीज को नहीं जानते हम इस चीज को गलत समझ रहे हैं। पहली बात तो केसीसी बनी इसको पहले देना था आप मेरे खिलाफ खोला था किस कारण था मुझे बनवानी है तेरी बनवानी नहीं मैं दूसरे की बनवाई तो क्या मेरी नंबर एक बात को कैसे इससे कह रहे भाई ये तेरी केसी जिसमें से 50,000 रुपये मैं उधार दूंगा और 2 महीने में या जो और आपने तो 1 लाख लिए 2 महीने में काम किसी के लिए 1 लाख लिए मैनेजर के काट के लगे मैनेजर कितने मत जोड़ो भाई साहब वो परसेंट अलग अलग हटा दो कुछ परसेंट को पाँव में हमारा नहीं है बाप परसेंट में हमें तो 10,000 रुपये मिलते मेरी बात सुनो। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देशराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देशराज आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ग्रामीणों के साथ ये पूरी धोखाधड़ी की गई है ग्रामीण अब मैनेजर और दलाल चपरासी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई किस तरह से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। मैं देशराज ये करहल के क्षेत्र का मामला है खिरखिरी से जी यहाँ पे बैंक मैनेजर और दलालों ने मिलकर जी आदिवासियों की जमीनों पर केसीसी ली है और केसीसी लेने के बाद में इन लोगों ने वापिस पैसे मांगे गए किसानों से जी और वापिस लेकर कहा है कि हम कुछ दिन बाद देंगे जबकि किस आधार पे देंगे पैसे वापिस जब किसानों की केसीसी किसानों को मिल गई तो ये नहीं देना चाहिए उनको और वापिस लेना भी नहीं चाहिए। ये सीधा सीधा मामला एक धोखाधड़ी का है उनका साथ में और पूरा धोखा हुआ है किसानों को जी। अब किसानों के साथ धोखा हुआ किसान अपनी शिकायत और कहां लेकर पहुंचे हैं किसी से शिकायत की शिकायती आवेदन दिया गया किसी प्रकार का कि धोखाधड़ी हुई है। इन्होंने एसडीएम लोकेंद्र सरल जी और कलेक्टर सोम वर्मा जी को आवेदन की ओर दिया है और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो भी हमारे साथ धोखा हुआ उनपे गलत कार्यवाही जो करे उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सभी किसान लोग। ये शिकायत लेकर पहुंचे जिन अधिकारियों के पास उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है इन्हें अभी उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है मैम कि हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे बाकी क्या करते हैं ये अधिकारी कार्रवाई करने के बाद ही मालूम चलेगा। ऐसी स्थितियां श्योपुर में कई स्थिति कई जगह बनी हुई है हर जगह यह दलाली प्रथा चली हुई है। क्या इस तरीके के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं देशराज वहां पर जब आप बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो स्थितियां पहले से ही कई जगह देखने को मिलती हैं? जी मैम दबी आवाज में एक नाम न बताने के खातिर ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे जो कि हमसे इस बात को चर्चा में लाते हैं बाकी मैनेजर का कोई सबूत साथ में नहीं होने की वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं। जी शुक्रिया आज तमाम जानकारी को साझा करने के लिए देशराज। तो बिल्कुल मैनेजर चपरासी और दलाल यहाँ पर इनकी मिली भगत से जो है कि इन किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है अब ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों के पास शिकायती आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इनकी शिकायत सुनी जाती क्या कोई कार्रवाई इन मैनेजर जो धोखा करने वाले लोग हैं ठगी करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ होती है या फिर ये खेल यूं ही निरंतर जारी रहेगा।